है जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है वो है कि हमने किस तरह से कोरोग्राफी करना है और कोरोग्राफी कितना करने से बच्चे को प्रभावित करना है। तो इस तरह भी कई हमने स्टार्ट किया कोरोग्राफ हमारा दिन कर सकते हैं। आज हम एक केस स्टडी की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में कोरोग्राफी भी आपके यहाँ है उसके साथ में कोरो टाइप करेंगे तो वो आपको शो कर देगा। ये ऐसा आपके पास का बटन है और ये आप इसे रन है जब उसको ओपन करें, लेकिन अगर जिस तक क्लिक कर देते हैं तभी आपके पास क्रोलगा ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास क्रोलगा का शॉर्टकट अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप अपने इंस्टॉल्ड ऐप में जाएँ, वहाँ जाकर आपने दूसरे ऐप को सब कर दे रहे हैं फिर से स्टार्ट कर दें तो ये आपके साथ में आ जाएगी और फिर आप इसे अपनी मर्जी से ऑन या डाउन कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम ये जैसे भी क्रोलगा को ओपन किया जाता है तो आपके पास क्रोलगा को कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो तो आपके पास जो है वो टॉप जो है जो है वो एक्टिवेशन जो है वो की है और हमारे पास पूर्व द्वारा जो है वो अपनी अगरबत्ती और कंपोनेंट को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। ये की इंटरेस्टिंग है जो आपको इसमें नजर आ रही है और इसमें जो बताया जा रहा है कि पूर्व का सब्मिट किया गया और एंड लास्ट के तमाम कंपोनेंट जो दो दो दिन है ये तमाम पर वर्किंग जो तमाम पर कंपोनेंट जो है वो परफॉर्म हो गए हैं तो आपके पास जो क्रोलगा है वो ओपन हो चुका है। तो सब जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है क्रोलगा की वेलकम स्क्रीन है, यानी वेलकम स्क्रीन चल रहा है कि ये वो स्क्रीन है जहाँ पर क्रोलगा जो हम कोई भी काम करने के लिए अपनी वेलकम का अनायास करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्रोलगा को स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऑलरेडी हम जो बात कर चुके हैं तो क्रोलगा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें डिजाइनिंग के हवाले से वेलकम जो है वो यूज होती है और उस हवाले से इसका जो इंक्रीमेंट है वो हमें यहाँ पर मिलता है। हम इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने कोल ड्रा को ओपन किया और इससे पहले हम इसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। आज इस न्यू डॉक्यूमेंट के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो फीचर नज़र आ रहा है वो ये है न्यू डॉक्यूमेंट। तो हम जल्दी से इसके बारे में अगर कोई रेफरेंस नोट करना हो हम वर्ड में उसको लिखते जाते हैं साथ में वर्ड ओपन कर लिए। सबसे पहले आप अपनी फाइल का नाम रखिए, अगर वो तो देखो अगर यहाँ पे आपके पास नीचे आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आती है तो आप जब किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेके आते हैं तो वो उस पोर्शन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो बारी बारी मैं आपको ये सारे जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये हमारे यहाँ पर शुरू हो जाएगा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कोरल ड्रॉ में कोरल ड्रॉ फाइल का नाम रखना है। याद रखिए डिजाइनिंग के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप फाइल का नाम जो है अब आ रही है अब देखो अब देखो अब ठीक हुई है अब देखो ठीक हुई है ओके क्या मतलब ओके जी। हम यहाँ पर अपनी फाइल का नाम भी यहाँ पर रख लेते हैं। हमने पूरा ड्रॉप ओपन किया और सबसे पहले यहाँ पर अपनी फाइल का जो नाम है वो हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी फाइल का नाम जो है पूरा फाइल का नाम टेस्ट लेक्चर है ये हमारा इसका नाम फर्स्ट लेक्चर के नाम से रख लेते हैं। मैंने कोरोग्राफ का सक्सेस किया। इसके बाद आपके नाम में प्री सेट, प्री सेट क्या होते हैं, प्री सेट कहते हैं प्री सेट यानी पहले से मौजूद चीज़ें, पहले से कुछ मौजूद चीज़ें हैं उसके अंदर। सबसे पहले कोरोग्राफ की डिफॉल्ट सेटिंग है जो आपके यहाँ नजर आ रही है। इसके बाद आपके पास डिफॉल्ट में वाई की सेटिंग है, इसके बाद वेब सेटिंग है, डिफॉल्ट आर जी बी सेटिंग है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहले पी एम वाई की क्या होता है। CMY के बेसिकली सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक को शो करता है, यानी सियान मैजेंटा और येलो और ब्लैक। बेसिकली जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं तो उसमें हमें चार प्लेटों की जरूरत होती है। एक प्लेट सियान की होती है, सियान कलर प्रिंट किया जाता है, एक मेजेंटा कलर होता है, एक आपका येलो कलर है और एक आपका ब्लैक कलर होता है। जबकि क्योंकि तमाम कलर हमारी आई कलर के हवाले से बात करें तो आर जी बी यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू इन तीन कलर से मिलकर बनते हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आप डिजाइनिंग कर रहे हैं वो सी एम वाई सी में करना चाहते हैं या आर जी बी में करना चाहते हैं। सर बताने के लिए देखने में फर्क ये है कि सीएम वाई के अंदर डाई कलर होते हैं जबकि आर जी बी कलर जो है स्पार्कली कलर होते हैं। तो जब भी मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि हम प्रिंटिंग के लिए काम करें तो आप सीएम वाई के पे काम करें,
और जब आप किसी ग्राफिक्स के किसी टूल के लिए काम कर रहे हैं, देन आप वहां पर अपनी वर्किंग जो है वो आर्ट के लिए करेंगे। यानी जब हम स्क्रीन के लिए काम बात करेंगे तो फिर हम आर्ट की बात करेंगे, जब हम प्रिंटिंग की बात करेंगे तो हम सीरियल राइटिंग की बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ला रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको आर जी भी कर देता हूँ। अगर आप वर्क के लिए कोई कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो वर्क के जो सेट डिजाइन जो सेटिंग्स मौजूद है वो आप यहाँ देख सकेंगे। कोरल ड्रॉ की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर मिलती है, कस्टम सेटिंग्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। बट व्हाट आई डू नाउ आई जस्ट क्लिक हियर एंड एक डिफॉल्ट ईएमआई की टाइप करें। इसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन आती है वो है साइज की। साइज के साथ आता है कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका पेपर का साइज क्या होगा, यानी जब आप फाइनल कटिंग करेंगे तो पेज का जो साइज है वो क्या होगा या उसकी वर्किंग किस तरह से होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या भी कह दिया कि मेरे पास लेटर साइज है, लीगल साइज है, डुप्लीकेट है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लेटर है इसको प्रिंट करेंगे। इंचीज की अगर आप उनकी बात करना है लेटर की वेट होती है 8.5 by 11, अगर आप यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं 8.5 by 14, अगर आप यहाँ पे ये फोर करते हैं 8.27 by 11.69, ये आपके पास आ जाती है। इसी तरह ए थ्री ए डबल होता है ए फोर के, और ये भी आप इसमें जाकर देख सकते हैं। क्लियर आपको हो गया होगा कि यहाँ पे जो भी साइज में सेट करूंगा बेसिकली यहाँ उसकी वेट और हाइट आ जाएगी। आपकी मर्जी है आप इंचेस सेंटीमीटर पॉइंट के साथ या किसी भी साइज के साथ हेक्टा हैंड वगैरह के हवाले से आप सेटिंग देख सकते हैं। यानी जो भी आपके साथ डिजाइन कर रहे हैं वो किस यूनिट के साथ अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा ये हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ से जाकर कह दिया कि मैं यहाँ पर विड्थ जो है वो हाइट जो है विड्थ है दोनों को इंच से देना चाहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है कि आपके पास जो वर्किंग है वो है कि कौन सा आपने ओरिएंटेशन लेनी है। दो तरह की ओरिएंटेशन हमारे डॉक्यूमेंट में हमें मौजूद होती है, एक ओरिएंटेशन आपकी पोर्ट्रेट है और एक ओरिएंटेशन आपकी लैंडस्केप है। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि अगर पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होती है, इसकी बात कर रहे हैं। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक आपकी लैंडस्केप है और एक आपकी पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में फर्क क्या होता है? लैंडस्केप में आपकी जो विड्थ होती है वो ग्रेटर होती है हाइट, जबकि पोर्ट्रेट के अंदर जो विड्थ होती है वो लेस होती है हाइट। यानी पोर्ट्रेट जो है ये तस्वीर जैसे आप अगर आप कायदे आजम का पोर्ट्रेट देखते हैं उस तरह की तस्वीर होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो मेरे पास समथिंग लुक लाइक के अगर विड्थ कम होगी और मेरे पास जो है वो हाइट ज़्यादा होगी, तो विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है तो समथिंग लाइक दिस। और अगर आप कहते हैं कि आप इसे लैंडस्केप को बनाना चाहते हैं देन इट्स समथिंग लाइक दिस, तो ये आपके पास इस तरह से इस शेप में आ जाएगा। यानी कि आपकी लैंडस्केप वर्किंग है, लैंडस्केप के हवाले से आपके पास इस तरह आता है, जबकि नीचे वाला आपका पोर्ट्रेट के हवाले से या आपके पोर्ट्रेट के हवाले से इस तरह से मेरे पास नजर आता है या आप इस तरह से देख। नेक्स्ट हमारे पास जब हमने डिसाइड कर लिया कि आप जो डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो ओरिएंटेशन में लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा, तो वो आप यहाँ से डिफाइन करें। ओके जी, तो जरा ये रोकते क्वेश्चन पूछने लगा मैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो हमारे पास आती है कि कितने पेजेस बनाने हैं। अभी ड्राइंग करने लगे हम सिंपल फर्स्ट हमारा पहला वर्कआउट है तो हम इसे सिंगल पेज के ऊपर जो है वो ड्राइंग करेंगे। नंबर ऑफ पेजेस के बाद में वन रखी। प्राइमरी कलर्स आप फोर कलर्स में बनाना चाहते हैं या आर सी भी बनाना चाह रहे हैं ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप यहाँ से कलर मॉडल देख सकते हैं। लेकिन जब भी आर जी बी अगर डिजाइन पे बनाया होगा तो जब मैं उसको प्रिंटिंग के लिए प्रिंट करने के लिए लेके जाऊंगा तो वो ऑब्वियसली उसको सी एम वाई के हवाले से ही प्रिंट करेंगे। तो ये याद रहे कि आपकी मर्जी है कि आप आर सी में बना लें या सी एम वाई के पे बना लें, लेकिन ये कि आपको प्रेफर ये किया जाता है कि जब आप डिजाइनिंग के लिए आपको फाइल देखेंगे तो वो आप सी एम वाई के हिसाब से ही आपकी प्रिंट होकर आएगी और आपने पहले आउटपुट देख लेनी है कि फाइनल आउटपुट उसकी प्रिंटिंग कैसी है। मैं फिलहाल इसे आर जी बी में बना रहा हूँ। इसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है रेंडरिंग रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है? बेसिकली एक इंच शेप के अंदर अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये एक डायग्राम है और ये हाइट और विड्थ मैं एक एक इंच कर देता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टीज में जाते हो और आप उसका साइज जो है वो चेंज कर देते हो और आप इसे कहते हो कि आपका जो टेक्स्ट साइज है आपके ऑब्जेक्ट का साइज को आपने एक एक बाई एक इंच कर दिया, तकरीबन जैसे एक इंच कर देता हूँ और एक इंच कर देता हूँ। आप देखो
यहाँ पे भी एक इंच है, यहाँ पे भी एक इंच है, इसके अंदर कितने मुक्ते हैं ये किसी भी चीज की रेजोल्यूशन कहलाता है। इस वक्त ये डायग्राफ अगर 300 मुक्तों से मिलकर बनी है तो इसे 300 डीपीआई रेजोल्यूशन दे देते हैं। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास रेजोल्यूशन में इसकी डायग्राफ में बात की है डीपीआई पर डॉट पर इंच, जबकि एक और चीज होती है जो आज कल काफी ज्यादा चल रही है दैट कॉल पीपीआई पिक्सल पर इंच, यानी आपके पास डॉट पर इंच और पिक्सल पर इंच जो ऑप्शन है ये आजकल चलती है। लेकिन अभी मैंने जो सेटिंग की कोरोड्रॉ के हवाले से मैंने यहाँ पर इसकी सेटिंग की है तो मैंने इसे जो डिग्री सेट किया है वो डॉट पर इंच जो है वो 300 डिग्री कर दिया। अब ये 300 कब वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से ठीक आ रही है बात, आपकी तरफ से कंटिन्यू करते थी। नेक्स्ट मैंने कहा मेरे पास जो गलती थी वो क्या थी, मैंने कहा डॉट पर इंच अब कितने डिग्री कब कब यूज किए जाते हैं। याद रहे अगर आप अपना डिजाइन जो बना रहे हैं वो आप वेब के लिए बना रहे हैं तो आप यूज करोगे 72 to 96 डीपीआई डॉट पर इंच, अगर आप यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए फिर आप यूज करोगे 200 to 300 डीपीआई, और अगर आप यूज कर रहे हैं जी के लिए स्क्रीन के लिए देन आप करेंगे 300 डीपीआई टू 600 डीपीआई, और अगर आप इसे कर रहे हैं किसी टीवी स्क्रीन के लिए तो आप इसका जो साइज है वो आप रखेंगे 600 डीपीआई टू, जो कहते हैं 1200 डिग्री तक तो 3000 डिग्री तक ही जाता है। याद रहे जितना मैं डिग्री बढ़ाऊंगा उतनी ही मेरी फाइल का साइज बढ़ जाएगा, जितनी मेरी फाइल का साइज बड़ा होगा उतनी ही मेरी फाइल जो है वो लोड होने में टाइम ज्यादा लेगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ओके नेक्स्ट टाइम भी है प्रीव्यू मोड, यानी जब मैं आउटपुट देखूँ तो मुझे किस तरह के नजर आए, इसे सिर्फ आउटलाइन देखें या वायरफ्रेम देखें। अब इसके हाल हम इसको इनहांस में कर देते हैं कि क्या ये मैं आगे जाके क्यों नहीं चला आपको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद कुछ कलर सेटिंग्स हैं, अभी मैंने इनको भी नहीं मैं डील कर रहा, डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मैं चाहता हूँ जब भी मैं न्यू करूँ तो ये बॉक्स आए, अगर मैं चाहता हूँ कि ना आए तो आप डू नॉट सेव दिस डायलॉग बॉक्स ऑफ कर दें। उसके बाद कोडल की प्रॉपर्टीज में जाकर इस ऑप्शन को बार बार ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अब फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं ओके का बटन प्रेस करूंगा मेरे पास कोडल ड्रॉ इस तरह से ओपन होकर मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। आज हम इस कोरल ड्रॉ के हवाले से बात करने लगे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज है। अभी आपने देखा कि मैंने पेज के ऊपर यानी न्यू करके जब मैंने कंट्रोल एंड किया तो न्यू करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे पास न्यू की कुछ सेटिंग चीज जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही थी या मैं यहाँ से परफॉर्म कर रहा था। अब यही सारी सेटिंग अगर आप गौर करो तो किसी भी पेज के ऊपर ये जो पट्टी नजर आ रही है इसे प्रॉपर्टी बार कहते हैं, प्रॉपर्टी बार के अंदर भी आ रही है। यानी अगर आपने कुछ वहां पर चेंज करना था, A3 रखना था या लेटर साइज रखना था तो यहाँ आपने चेंज कर दिया तो आप ये बात बाद में भी जाकर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ लेटर किया, आप देखेंगे 8.5 by 11 8.5 और हाइट इसकी 11 इंचीज आ रही है। उसके बाद देखो तो आपके पास पोर्ट्रेट आ रहा है, आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगली ऑप्शन एक थोड़ी सी चेंज है, मैं अभी इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन यहाँ देखो अभी फिलहाल मेरे पास एक पेज आ रहा है और बाकी सारी ऑप्शन मेरी ऑफ आ रही है। मैं ये प्लस का बटन दबाता हूँ, जैसे ही मैंने प्लस का बटन दबाया तो मेरे पास एक पेज वन है, एक मेरे पास पेज है, मैं एक और पेज बना लेता हूँ। यानी अब मेरे पास पेज वन, पेज टू और पेज थ्री है। मैं ऐसे करता हूँ कि पेज वन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लेटर से A4 के अंदर। जैसे ही मैंने इसको A4 पे कन्वर्ट किया आप देखो कि आपकी इस पेज की सेटिंग, दूसरे पेज की, तीसरे पेज की, सब पेज की सेटिंग जो है वो एक तरह से ही हो गई। आप कहते नहीं सर आप पेज वन को लैंडस्केप कर दें, मैंने पेज वन को लैंडस्केप किया। अगर मैं पेज टू पे जाता हूँ या पेज थ्री पे जाता हूँ तो मैं हैरान रह गया कि मेरे इन्हीं पेजेस के ऊपर तमाम के ऊपर जो वर्किंग है वो बिल्कुल वैसे ही आ गई है जिस तरह से पेज वन के ऊपर मैंने चेंज की थी, जबकि एक पेज पे चेंज की थी। पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि पहला जो डिजाइन है वो मैं लोगो बनाना चाहता हूँ, दूसरा डिजाइन जो दूसरा पेज है वो मैं वो ब्रोशर बनाना चाह रहा हूँ, तीसरा पेज मैं कोई बैनर बनाना चाह रहा हूँ, चौथे पेज में मैं कोई साइन बोर्ड बनाना चाह रहा हूँ, पांचवे पेज में कोई हैंडआउट या बटीज बनाना चाह रहा हूँ। अब आप हर साइज भी अलग चाहते हैं, लुक भी अलग चाहते हैं,
और ये टेंशन भी लग जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको इस तरह की सेटिंग हो तो आपने अपने पहले पेज की सेटिंग अपनी नॉर्मल डिफाइन कर ली। इसके साथ आपको एक ऑप्शन मिलती है यहाँ पर, आप देखो तो आपको आप है ऑल पेज की और आपके पास है करंट पेज की। आपने यहाँ ऑल पेज से करंट पेज के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऑल पेज से करंट पेज के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपके पास जो है वो करंट पेज की ऑप्शन ये हो जाएगी। अब अगर आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इसको चेंज करता हूँ, मैं इसे ए4 रहने देता हूँ लेकिन इसको लैंडस्केप कर देता हूँ, तो देखो अब इससे चेंज करने से पहले वाला पेज आपका पोर्ट्रेट ही रहा है, जबकि दूसरा आपका लैंडस्केप हो गया और तीसरा पेज पहले वाली सेटिंग के साथ पोर्ट्रेट रहा। यानी अब आपके पास ऑल पेजेस और आपके पास फ्रंट पेज की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेज की सेटिंग को डिस्ट कर सकते हो, पेज की सेटिंग को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हो। मैंने कहा जी मेरे पास अगली ऑप्शन है कौन सा यूनिट है, तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि किस स्केल है, मिलीमीटर अगर आप उसको किसी बना रहे हैं, पॉइंट पे अगर आप पॉइंट और आपको काम करना चाह रहे हैं, पिक्सल आपके पास डेकाज है, फीट यार्ड माइल सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर अगर आप जरूरी डिजाइन कर रहे हैं, क्वार्टर सेक्टर है, आपके पास सारी ऑप्शन अवेलेबल है। बट अभी क्योंकि हम अपने कैजुअली डिजाइनिंग के लिए बात कर रहे हैं तो हम उसको स्टार्ट करेंगे इन चीज के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो है नट डिस्टेंस। नट डिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले हम अपने पहले पेज के ऊपर वापस आए हैं और पहले पेज को अभी आपके सामने मैंने जूम कर लिया, मैंने अभी कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या किया है, लेकिन ये मेरा पहला पेज है। अभी मैंने इसमें थोड़ी बहुत चेंज की है। जैसे आप अपने पेज के ऊपर थोड़ी बहुत चेंज करोगे तो आप यहाँ देखो कि आपके पेज के ऊपर ये छोटा सा स्टार आ रहा है। इस स्टार का मतलब होता है कि आपने अपने इस डॉक्यूमेंट में कोई तब्दीली की है और आपने उन तब्दीलियों को स्टोर नहीं किया, सेव नहीं किया। तो आप जस्ट यहाँ स्टार देख लें, यहाँ देख लें, आप कंट्रोल एफ से क्लिक करें। जैसे आप कंट्रोल एफ दबाओगे आपको कहेगा कि आप अपनी ड्राइंग को सेव करें। So I love to save my drawing at my desktop. So I just click on this desktop and then save it. मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। अभी वर्जन वर्जन और ये सब चीजें बाद में देखेंगे, फिलहाल मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने सेव किया तो उसने मुझे बोला कि मेरी फाइल का नाम हो गया firstlecture.pdr, यानी जो मेरी फाइल है वो इसको firstlecture.pdr के नाम से जो है वो मेरे पास जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ CDR कोरल ड्रॉ को शो करता है, तो आप ये लिख लेते हैं इसको CDR स्टैंड फॉर Wow. यहाँ तक क्लियर है जी। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट मूविंग है वो ये है कि अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, जरा वो तो देखना। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया नेट डिस्टेंस और डुप्लीकेट डिस्टेंस वगैरह की बात नहीं। अब मैं यहाँ गया और आज पहले देखता हूँ मैं F6 दबाकर एक टूल जो है वो रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने F6 दबाया। जैसे आपने F6 दबाया देखो आपके पास पहले एरो आ रहा था, जैसे मैं F6 दबाता हूँ अब आपके पास आपका रेक्टेंगल टूल आ रहा है। रेक्टेंगल टूल से क्या मुराद है कि रेक्टेंगल टूल आपके पास जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यूज होगा, जबकि आपका एरो टूल जो है वो आपका पिक करने के लिए यूज होगा। तो मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ लेफ्ट बटन पे होल्ड रखकर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। लेफ्ट बटन पे होल्ड रखकर नीचे की तरफ ड्रैग करते जाओ तो आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा। मैं 2x2 का एक जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2x2 का तकरीबन साइज जो है वो एडजस्ट करके अंदाजे से मैंने यहाँ पर 2x2 का एक साइज जो है वो रख दिया। अभी ये एग्जैक्ट 2 नहीं है लेकिन अभी देखते हैं इसका साइज कितना, इसको छोड़ देंगे। जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो आपके पास आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है और अब आपका पॉइंटर आपको कह रहा है कि आप नया रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। बट अब आप ठीक करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे क्या, मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा जिससे मैं एक ऑप्शन की आपको बताइए F6 फॉर रेक्टेंगल और मैंने स्पेस प्रेस करता हूँ स्विच बिटवीन एक्टिव टूल एंड एरो एरो टूल आप फिक्स टूल भी आपका उसका नाम यहाँ फिक्स टूल है। ठीक है जी आप करके देखते हैं। यहाँ गया मैंने स्पेस प्रेस किया आपके पास फिक्स टूल आ चुका है, एरो पे आपको कर्सर आ गया, दोबारा स्पेस दबाते हैं अगर स्टैंडर्ड टूल के दरमियान आप दोनों टूल के दरमियान। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो आपकी प्रॉपर्टी बार में देखो चीजें चेंज होती है, पहले ओटर आ रही थी अब आपकी चीजें जो है वो ओटर से आ रही है। अब ये आपके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है वो हो गया। मैंने कहा मुझे रेक्टेंगल कितना चाहिए तो मैंने यहाँ पर जाके कहा कि आपको जो रेक्टेंगल चाहिए
का साइज आप डिफाइन कर दें। तो आपने कहा 2 by 2, आपने यहाँ रेक्टेंगल का साइज जो है डिफाइन किया, एंटर प्रेस किया, आपके रेक्टेंगल का साइज जो है वो 2 by 2 हो गया। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली? ओके गुड है, तो चले फिर मैं सवाल आपको पूछ लूंगा, मेरा तैयार रहिएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना इसकी साइज चेंज कर दिया मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैंने अपना रेक्टेंगल ड्रॉ किया था तो जो साइज उस वक्त था वो साइज आ जाए, तो क्या करूं? नहीं अंडू तो चलो वो तो हो जाएगा, अंडू और इंडू तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ 2 2 लिखूं तो अब आप समय तो ठीक हो गया, मैंने बिल्कुल सही कर लिया। अब ये सही हो गया ना, 100% साइज हो गया। याद रखो ये नहीं है, आपके पास ये लिखा हुआ परसेंटेज, आपने यहाँ जाना है और यहाँ जाके आपने इस फैक्टर को 100 कर देना है, सेम एज इट इज नीचे वाले फैक्टर पे जाना है और आपने इस फैक्टर को 100 करना है। अब ये वो एग्जैक्ट साइज है जो आपके पास पहले था या जब आप अपनी गलती परफॉर्म कर रहे थे तो उस वक्त आपके पास था, ठीक हो गया? यानी ये वो साइज है। 100 का मतलब ये होता है कि जब आप उसे 100 करते हैं तो 100 का मतलब ये होता है कि जो आपने ड्रॉ किया था ये वो साइज है, लेकिन हम मोस्टली जो है वो अपने ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ से खुद डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि 2 by 2, अब ये 2 by 2 का मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली विड्थ में भी थोड़ा सा कम हुआ है और हाइट में काफी ज्यादा कम हुआ है, ठीक हो गया? ओके अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करूँ। स्ट्रेच करना क्या होता है? स्ट्रेच होता है बड़ा करना, ये अब थोड़ा हो रहा है, अब ये लंबा हो रहा है। अगर आप थोड़ा और लंबा कट्ठा करना चाहते हैं, ये छोटा करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन ना अब मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जो विड्थ है उसको 50% इंक्रीज करता हूँ तो हाइट भी ऑटोमेटिकली 50% इंक्रीज कर दो। इसे हम कहते हैं कि आप हाइट और विड्थ की एस्पेक्ट रेशियोज को बराबर करना चाहते हैं, यानी लॉक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपको एक ताला नजर आ रहा है, उस ताले को क्रैक कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आपका ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, यानी अब आपका रेक्टेंगल जो है तो ब्लॉक एस्पेक्ट रेशियो के मुताबिक आ चुका है। अब आप यहाँ गए, आपने यहाँ जाके कहा कि मैं विड्थ को 4 जो इंचीज है वो कर देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देखोगे ना सिर्फ उसकी विड्थ बढ़ी है बल्कि उसकी हाइट भी बढ़ी है, और अगर मैं हाइट को कम कर देता हूँ तो एंटर करने पर उसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, कम हो गई है। तो लॉक ऑन होने का मतलब है कि लेंथ और विड्थ दोनों कटे चेंज होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि कई दफा होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैं उसको विड्थ में खींचूंगा तो वो ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा या शेप खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं, हम हमेशा उन्हें जब भी सेट करेंगे आपने लॉक एक्सपेक्टेड को ऑफ कर देंगे। मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रहा हूँ। अब आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन ऑन करता हूँ जिसका नाम है ओके जरा और से देखना है अब आपने मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, स्क्रीन को बड़ा करने का मतलब ये था कि आपको ज्यादा इस तरह को नजर आए। तो अब बड़ा करता हूँ मैं। अब आप देखो कि अब आपके पास ये आपका फेस है। अब अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को देखिए कि मेरा ऑब्जेक्ट है जो तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को देखूँ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली कितनी नोड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक इसका फैक्टर है 9। अब आप अपने इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किस लिहाज से एडजस्ट करना चाहते हैं ये आप जो है ना वो अब आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलती है, इस ऑप्शन का नाम है मेरे पास कि आप अपनी ऑप्शन की अपने ऑब्जेक्ट की ऑप्शन की ओरिजिन को कैसे सेट करते हैं। आप इसे बिल्कुल बॉटम पे अगर सेट कर देंगे तो अब ये जो पॉइंट आपको एक्स और वाई पे आएंगे ये इसके मुताबिक है। तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। अब देखिएगा कर देते हैं, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बॉटम पे सेट कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि ये 0 है और अगर आप इधर से देखो तो रूले के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये 0 है। अब मैं कहता हूँ कि ये ओरिजिन एक्स 0 और वाई भी 0 पे चला जाए। मैंने एंटर प्रेस किया और आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल 0 0 पे आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके नेक्स्ट आपने देखनी है, मैं क्या करता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को जंप करवाकर एक्स 2 पर
और वाई भी टू पर लेके आता हूँ। मैंने एंटर किया, अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट 2 by 2 पे आ गया। तो देखो ये एक्स पे 2 है और वाई पे 2 है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखना है, मैं इसी ऑब्जेक्ट को किस जगह लेके आया हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नुकता है ये एक्स एक्सिस, ये है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको तो मैंने 2D ड्राइंग के ऊपर आज बात कर रहे हैं। ये कितना डिस्टेंस है, यानी ये वाला ये डिस्टेंस है 2.648, और ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 7.894। गुड हो गया, शाबाश। अब मैं ये कहता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी ये जो सेंटर है, इसके मुताबिक वर्किंग करना चाहता हूँ। तो आप बिल्कुल सेंटर में कर दो। मैं आपको सिर्फ तो दिखाने के लिए यहाँ पर 0 0 करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली 0 0 करने से क्या होगा। अब देखो जब मैंने यहाँ पर 0 0 किया, तो अब इसका सेंटर बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर, यानी इसका जो सेंटर ओरिजिन है वो बिल्कुल अब आपके पास आपकी फाइल के बिल्कुल जो आपका वर्किंग एरिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। मैं फिलहाल अब इसको पकड़ कर वापस ले आता हूँ। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ तक क्लियर? ओके okay. अब ना मैं इसका साइज और छोटा करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा करता हूँ। तो मैं इसका साइज कितना कर देता हूँ, मैं 1 by 1 इसका साइज कर देता हूँ, 1 by 1। तो एडजस्टेड 1 by 1 मैंने इसका साइज कर, और इसको मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पकड़ के जूम कर लेता हूँ, चलो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब अगर आप देखो तो ऊपर आपका स्केल है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये बिल्कुल मैं 0 पॉइंट के ऊपर हूँ, यानी एक्स इसका 0 पे, F0 पे कर दिया तो ये बिल्कुल ओरिजिन 0 पे आ गया। मैं इसके बॉटम लाइन की बात करूंगा, तो ये इसको मैं 0 कर दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ओके क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट हमने कहा जी कि हमने यहाँ पर देखा तो ये बिल्कुल आ गया। अब अगर मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ, तो अब मैंने जैसे ही लेफ्ट एरो दबाया अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, आपने लेफ्ट एरो प्रेस किया तो आपका फिर थोड़ा सा आगे चला गया, हुआ ऐसा नजर आ रहा? अब जरा वो तो देखना है, मैं चाहता हूं कि ये जंप करके ना 1 इंच दूर आ जाए, यानी यहाँ 1 इंच बचता है तो ये जंप करके यहाँ पे इधर 1 इंच आ जाए, इसी तरह दूसरी जगह। तो आपने पेज की प्रॉपर्टीज में जाना है, आपके पास ऑप्शन थी नज डिस्टेंस, आप इसको 1 इंच कर दो। मैंने इसको 1 इंच करके एंटर किया। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जंप करके 1 इंच की दूरी पे आ जाएगा, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अच्छा अब जरा दूर करके देखते हैं जी, जो नज डिस्टेंस आपने सेट किया है आपका ऑब्जेक्ट उसी के मुताबिक जो है वो वर्किंग करेगा। अब देखो कि 1 1 इंच के जंप से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है या अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जंप पर जो डिस्टेंस सेट किया था 1 इंच मैंने सेट किया था, अब ये इसके हाफ पे मूव करे, तो कंट्रोल प्लस एरो की दबानी है, कंट्रोल प्लस एरो की से ये हाफ जंप करेगा, यानी जो भी नज डिस्टेंस सेट किया होगा ये उसका हाफ जो है वो जंप करेगा। और अगर यही काम मैं शिफ्ट प्लस एरो की से करता हूँ तो ये मेरे नज